हनुमान बेनीवाल के गढ़ में ट्रेलर, हरियाणा में पूरी फिल्म। साल 2024 के लिए कौन सी सियासी रणनीति बना रहे हैं दुष्यंत चौटाला? आने वाले साल 2024 देश के साथ साथ हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान के जाटलैंड में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। उन्होंने बीते मंगलवार को सीकर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दुष्यंत ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि हरियाणा की तरह राजस्थान में उनका भाजपा के साथ गठबंधन होगा या नहीं, लेकिन राजस्थान की राजनीति को करीब से जानने वाले सियासी जानकारों का कहना है भाजपा के स्थानीय नेता दुष्यंत के साथ गठबंधन के खिलाफ है, इसलिए संभवतः जेजेपी राजस्थान में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो भाजपा और जेजेपी गठबंधन पर पहले ही सवालिया निशान लगने लगा है। ऐसे कई मौके आए जब दुष्यंत और हरियाणा की सत्तारूढ़ पार्टी के सुर एक दूसरे से नहीं मिले। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री है और भाजपा और जेजेपी की गठबंधन की मौजूदा सरकार है। गौरतलब है कि हरियाणा में भाजपा और जेजेपी का गठबंधन का आधार दोनों पार्टियों की आपसी सहमति और रजामंदी पर टिका है, मगर आने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच अक्सर कड़वाहट देखी जाती रही है। वहीं हरियाणा की राजनीति में कई दशकों से सक्रिय चौटाला और सिंह परिवार के बीच उचाना कला विधानसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट पर तकरार होती रही है। मौजूदा वक्त में हरियाणा में दो सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों के बीच ये सीट सबसे बड़ी कलह का कारण बनी हुई है। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में इस सीट को लेकर बड़ी गहमागहमी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र ने हिसार में दुष्यंत को चुनाव हराया। हालांकि अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में दुष्यंत ने उचाना कला में ब्रजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता को चुनाव हरा दिया। आपको बता दें कि साल 2019 में 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के चुनाव में त्रिशंकु जनादेश आने के बाद 40 सीटें पाकर भाजपा सबसे आगे थी। सरकार बनाने के लिए भाजपा ने जननायक जनता पार्टी का साथ लिया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने तो दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बहरहाल राजस्थान में अपने सियासी पांव पसार रही जेजेपी के लिए हरियाणा में भी मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि उचाना कला सीट और हिसार लोकसभा सीट को लेकर भाजपा और जेजेपी लगातार आमने सामने हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो हाल ही में हनुमान बेनीवाल और राजस्थान में जेजेपी ने ट्रेलर दिखाया है, उसका राजस्थान के बाद हरियाणा में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। क्या दोनों पार्टियां हरियाणा के बाद राजस्थान में भी एक होकर चुनाव लड़ती है या फिर अलग अलग? ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज़।